बॉयज, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ कट सीरीज। और आज हम ट्रेन करने वाले हैं चेस्ट एंड शोल्डर। चेस्ट के लिए हम 3 एक्सरसाइज लगाएंगे, शोल्डर्स के लिए 2। एंड या दैट्स इट, दैट्स प्रीटी मच द प्लान। मैं इंक्लाइन से चालू करूंगा, इंक्लाइन के 4 सेट, लैट के 4 सेट एंड उसके बाद केबल प्रेस के 3 सेट, वो हो जाएंगे 10 सेट टोटल। एंड शोल्डर्स के लिए मैं ओवरहेड प्रेसेस और लैटरल रेजेस। आज भी मेरा मन केबल से ही करने का है लैटरल रेजेस, कॉज मंडे को हमने जब केबल से किए तो बहुत अच्छा टेंशन आया था। तो या विल डू दैट। और मैं अल्टरनेट करूँगा ये सब, मतलब पहले एक चेस्ट की एक्सरसाइज, एक शोल्डर की एक्सरसाइज, फिर चेस्ट की, फिर शोल्डर की। ऐसा करते करते हमारे शोल्डर और चेस्ट दोनों भी आखिर तक पंप अप रहते हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है। जब भी मैंने ऐसा अल्टरनेट कुछ किया है, मतलब एक मसल पहले दूसरा मसल बाद में, देन स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस फील होता है। क्योंकि जब हमारा रेस्ट पीरियड होता है, पहले हम चेस्ट ट्रेन करते हैं, उसके बाद शोल्डर ट्रेन करते हैं, और शोल्डर और चेस्ट के बीच में जो रेस्ट पीरियड होता है, वो मसल थोड़ा सा हील हो जाता है वहाँ पे, एंड हमें फटीक भी महसूस नहीं होता जाता। तीनों भी एक्सरसाइज पहले अगर चेस्ट की लगाएंगे तो चेस्ट पूरी पम्प्ड अप हो जाती है, एंड उसके बाद शोल्डर्स के लिए हमारे पास एनर्जी भी नहीं रहती और पम्प भी इतना अच्छा नहीं आता। सो या विल डू दैट। और या लेट्स प्रीटी मच द प्लान, लेट्स गो, लेट्स गो टू द जिम। इंक्लाइन प्रेसेस पे हमें मिले 12, 12, 10 और 10। लास्ट टाइम जब मैंने देखा था तब मुझे 12, 12, 10 और 9 मिले थे। हमने लास्ट सेट में एक रेप से प्रोग्रेस की, बट या दैट काउंट्स एज सिंगल रेप भी प्रोग्रेशन का डेफिनेशन होता है। सो ओवर हेड प्रेसेस लगाने वाले हैं, मैं 20 केजीज के साथ लगाऊंगा। मैंने लास्ट टाइम 10, 8 और 8 मिले थे मुझे 3 ऑफ 3 सेट में। तो टुडे वी गोना ट्राई फॉर 10, 9 एंड एटलीस्ट 9। मैं ऐसा गेस तो नहीं कर रहा जितने आएंगे उतने। आई विल चेक द फुटेज एंड देन आई टेल यू गाइस।
never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I could feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, ऑल राइट तो ओवरहेड प्रेसेस के 3 सेट किए, लैटरल लेजेस के 3 सेट किए. आज मुझे मतलब ओवरहेड प्रेसेस में एक्सपेक्टेड से कम रिप्स मिले. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे 10 10 10 मिले तीनों भी सेट्स में. सो आई कुडंट गेट दैट और मुझे 9 9 9 रिप्स मिले. सो आई एम हैप्पी अबाउट इट. और लैटरल लेजेस के लिए हमने आज डंबल्स ही यूज़ किए एज मशीन बहुत ज़्यादा एंगेज थी. सारे लोग आज मशीन लगा रहे थे भाई. मैं तो मतलब मुझे कुछ क्लिप्स तो मुझे शूट भी करने नहीं मिली, इतना ज़्यादा क्राउड था आज जिम में. और फिर मैंने फ्लैट के मैंने 4 सेट्स लगाए और 4 सेट्स में मुझे मिले 8 8 7 और 7 ऐसा कुछ था. और एक स्लो एंड कंट्रोल वे में मुझे मिले. बट या आई एम हैप्पी अबाउट इट. सो अभी हमें ये मील ख़त्म करके हमारा एक और मील प्रेप करके रखना है. एट द सेम टाइम मैं वो खा लूँगा क्योंकि मुझे आज बैंक में जाना है, कुछ काम है बैंक का तो वो करेंगे. एंड आने के बाद मैं अपना जो रिसर्च है वो करने बैठ जाऊंगा. एंड शाम को हमें जिम में एक शूट करने जाना है. सो या विल गो देयर. ओके सो वी आर बैक. अभी हम अपना रिसर्च करेंगे. मैं रिसर्च नीचे ही करूंगा और जब स्क्रिप्ट लिखने की बारी आएगी तब मैं ऊपर चले जाऊंगा. 4 बजे तक मुझे एनी हाउ आज ये टास्क अपना कंप्लीट करना है. सो लेट्स गो. हाफ ऑफ द स्क्रिप्ट इज डन ऑलरेडी और रिमेनिंग हाफ मैं अभी पहले अपनी मील खाऊंगा एंड उसके बाद कंप्लीट करूंगा. मुझे बहुत भूख लगी है क्योंकि मैंने लास्ट मील अपनी कंज्यूम की थी अराउंड 11:30 को एंड इट्स ऑलमोस्ट 2:30 PM. मतलब 3 घंटे हो गए हैं. 3 नहीं, 12:30, 1:30, 2:30, हाँ 3 घंटे हो गए हैं. सो 3 घंटे में हमारी नेक्स्ट मील होगी और आई एम गोना कंज्यूम इट नाउ. सो मैं जो हमारी ओट मील थी वो मैं अभी कंज्यूम करूँगा और रात में मैं एक हेवी मील जो होती है हमारी एग्स और सैंडविच वो मैं कंज्यूम करूँगा रात में एंड देन आई विल गो टू स्लीप. सो लेट्स गो डाउनस्टेयर्स एंड हैव आवर मील. यू गाइस डन विद द स्क्रिप्ट. हम कल इसे शूट करने वाले हैं. अभी हमारे पास 1 घंटा है. मेरे दोस्त का मुझे कॉल नहीं आया कि वो मुझे शूट पे ले जाएगा या नहीं क्योंकि जिम में जाना है तो जिम अभी खुल गया होगा. तो आई एम थिंकिंग कि मैं उसे कॉल करूँ एंड आई विल आस्क हिम इफ ही इज कमिंग और नॉट. अगर वो आता है तो हम जाएंगे और एल्स हम हमारा डेली ब्लॉग एडिट करने बैठ जाएंगे. मैंने अपने दोस्त को कॉल किया था एंड ही सेड कि भाई शूट पोस्टपोन करना पड़ेगा एज मुझे कुछ काम आ गया. सो मैंने बोला ऑल राइट कोई प्रॉब्लम नहीं है, शूट बाद में भी कर लेंगे अपन. सो या अभी हम हमारा कार्डियो कंप्लीट करेंगे. थोड़ी देर में मम्मी का कॉल आएगा तो मम्मी को लेने जाना है अपने को एंड आफ्टर दैट अपना डेली का जो भी स्टॉप होता है वो हम कंप्लीट करेंगे. कल हमें एनी हाउ हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो शूट एंड एडिट करना है. एडिट मतलब मैं उसे ट्रिम ही करूँगा और टाइम मिला तो हम एडिट भी कर लेंगे. नो मोर वेस्टिंग टाइम, हम एडिट भी एट द सेम टाइम कर देंगे और सैटरडे को वो शायद से हम अपलोड भी कर देंगे. ओके सो स्टेप्स आर डन. अभी बहुत अच्छा मतलब ये चल रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही है और हवा के साथ साथ रेन ड्रॉप्स भी आ रहे हैं. सो मुझे लाइट जाने का चांसेस है बट आई एम गोना गो डाउनस्टेयर्स नाउ और मुझे जल्दी से अपने ब्रेड्स प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे नहीं तो लाइट चली जाएगी तो आई वोंट बी एबल टू प्रिपेयर दैट. इट्स ऑलमोस्ट 10 PM और अभी हमारा रीडिंग सीजन खत्म हो गया है. मुझे नींद बहुत गंदी वाली आ रही है. सो आई एम गोना कंप्लीट माय जर्नलिंग
एंड आई विल गो स्ट्रेट टू स्लीप. सो इसी के साथ आज का ब्लॉग खत्म करते हैं. मैं मिलूंगा आपको कल. टिल देन, पीस आउट.